हैलो एवरी हाउ sorry. इतनी देर बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही I बट आई कि अब से कोई भी वीडियो लेट नहीं होगा और इसी के साथ आई वॉन्ट टू टेल ऑल माई स्टूडेंट्स कि uh, अब से एक महीने के टाइम पीरियड में आई एम गोइंग टू फिनिश पर फुल मॉडर्न हिस्ट्री और इसके साथ करंट अफेयर भी मैं साथ साथ लेकर आऊंगी लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ए टू जेड जो है मैं कवर करवाने वाली जो जो अभी होगा। इसी के ही साथ जो बच्चे AR के साथ बच्चे लिए आ, कर रहे हैं, उनको भी ये बेनिफिट होगा सो गाइज मॉडर्न हिस्ट्री इट इज इंपॉर्टेंट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, या yeah, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है पूरा का पूरा जो है मैं कवर करवाने आपको वाली हूँ आपको याद रखना है कि जो भी मेरे पास पीडीएफ होगा मतलब ऑब्वियसली पीडीएफ तो होगा वो मैं आपको दे दूंगी बट इसके साथ जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें बोलूंगी जो शायद पीडीएफ में ना हो तो गाइज ये आपके क्लासरूम नोट्स हैं तो आपको साथ साथ लिखना है वीडियो को पॉज करें बनाइए नोट्स तभी आपको याद रहेगा क्योंकि मेरा लिखा हुआ आपको याद नहीं रहने वाला है जो आप लोगों ने खुद अपने किताब में लिखा है आपको वही याद रहने वाला है ठीक है सो गाइज लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट वीडियो वीडियो हर दिन आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट की हर दिन वीडियो आए जस्ट इन केस अगर एक दिन वीडियो मिस हो भी जाता है लेकिन माई इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस इज कि मैं एक महीने में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करवा दू ठीक है so सो yeah, या आप लोगों को यू नो द रिट एटीन फिफ्टी सेवन के आगे वाला पूछा जाए बट इसी के साथ हमको कोई भी ऐसा एरिया छोड़ना नहीं जहां से क्वेश्चन आपको पेपर में ना आए तो मैं आपको स्टार्ट जो है बिल्कुल बेसिक्स के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ की वॉट लेट

यू you नो know, एक वो बनता है क्या कहते हैं उसको आ, पूरा का पूरा एक फील्ड बनता है ना पहले तो ये पूरी की पूरी वही बन रही है सो so, याद रखिएगा 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल था इट फेल इन टू द ऑटोमन एम्पायर मैं आई टॉक अबाउट ऑटोमन एम्पायर याद रखिएगा कि हम टर्की की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का जो रोल है वो वर्ल्ड वॉर वन में भी हमको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है वो इकट्ठे आएंगे ठीक है ऑटोमन एम्पायर नाउ जो लैंड रूट था, uh, uh, था इंडिया में ऐसा नहीं था कि यूरोपियंस यहाँ पे आए हैं तो इंडिया डिस्कवर हुआ इंडिया में ट्रेड शुरू हुआ इससे पहले भी इंडिया में ट्रेड हो रहा था इंडिया जो है यहाँ पे अरब जो है ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे क्यों क्योंकि यहां पे था ब्लैक गोल्ड क्या था यहां पे ब्लैक गोल्ड नाउ होमवर्क फॉर यू ऑल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्लैक गोल्ड था क्या सो दिस इज योर होमवर्क ठीक है सो ब्लैक गोल्ड क्या था ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और बात करने वाली हूं ठीक है कि कौन सी स्टेट में होता था कौन से एरिया में होता था ऑल दैट बट अब तक के लिए आप मुझे बताएंगे कि ब्लैक गोल्ड क्या था सो लैंड रूट जो था वहां पे पूरा का पूरा जो मोनोपोली था किसका था वहां पे इट वाज कंट्रोल्ड बाय अरब्स क्योंकि अरब्स जो थे यहां पे स्पाइसेस का ट्रेड ऑलरेडी कर रहे थे नाउ ये पंद्रहवीं सेंचुरी की बात है जब यूरोप में क्या हो गया रेनेसांस जो है वो आना शुरू हो गया सबसे पहले जो आप 1453 की बात करें क्या हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल हट चुका है और ऑटोमन एम्पायर आ चुका है जब ऑटोमन एम्पायर आ गया तो आपका रेड सी वाला एरिया मेडिटेरियन वाला एरिया वहां पे टर्की ने हाई टैक्स जो है इम्पोज करना शुरू कर दिया नाउ अगर मुझे अब मैं इस रूट से जा रही हूँ वहां से ट्रेड सामान लेकर आ रही हूँ अब ये जो बीच का यू नो मीडिएटर है इंटरपोर्ट है वहां पे हाई टैक्स है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अगर जो मैं चीज सौ रुपए की यहाँ पे लाके बेच रही थी अब मैं दो सौ रुपए का टैक्स भर रही हूं तो वो सौ रुपए की चीज अब मेरे तीन सौ की बेचनी पड़ेगी जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे नाउ अ नीड नीड यूरोप में एक एक था कि अब प्राइसेसनेट रूट की बात किया जाए ठीक है so, सो इसकी वजह से क्या हो गया बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमन एम्पायर एक नीड ऑफ फाइंडिंग न्यू रूट टू इंडिया स्टार्टेड ठीक है हाउ एवर अब इंडिया डिस्कवर होगा बट बात क्या चल रही है कि अरब्स यहां पे ऑलरेडी हैं एंड यूरोपियंस दे वांट वॉन्ट दे वांट अ डिफरेंट रूट जिसकी वजह से वो क्या करे ट्रेड करे और इसी डिफरेंट रूट की तरफ जाते जाते क्या हो जाएगा इंडिया आ जाएगा नाउ रेनेसांस व्हाट इज रेनेसांस रेनेसांस का मतलब होता है एडॉप्टेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी नाउ होता क्या था इनिशियली अगर अर्थ क्वेक आया फ्लड uh, आ गया ड्रॉट आ गया तो लोग समझते थे इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर सिंस कि आपने कोई पुराने जन्म में कोई काम किए जिसकी वजह से ये चीज जो है वो हो रही है बट पंद्रहवीं सेंचुरी में आते आते साइंस टेक्नोलॉजी का जब यू नो पीरियड आया लोग साइंस और टेक को एक्सेप्ट करने लगे हर चीज के पीछे डिस्कवरी होने लगी कि इसके पीछे का रीजन क्या है हर चीज में रीजन ढूंढने लगे दैट इज कॉल्ड एज रेनेसांस तो ये कब आया ये पंद्रहवीं सेंचुरी में आया आपके यूरोप में हाउ एवर इंडिया में आते आते ये कोई अठारहवीं उन्नीसवी सेंचुरी में इंडिया में आया था लेकिन यूरोप में कब आया जी रेनेसांस ऑलरेडी जो है वो पंद्रहवीं सेंचुरी में आ गया था जिसकी वजह से देर वॉज अ नीड टू फाइंड न्यू रूट टू फॉर योर ट्रेड नाउ एनअर पॉइंट स्टार्टिंग का पॉइंट याद रखिएगा जो प्रिंस हेनरी सो so, प्रिंस हेनरी कहाँ के थे पोर्चुगल के थे वो बहुत ज्यादा ऑप्सेस्ड थे सो ही वॉज हाईली ऑप्सेस्ड कि उनको क्या चाहिए एक डिफरेंट इनको obsessed कि उनको क्या करना है एक्सप्लोरेशन करना है तो इसीलिए इनको प्यार से भी कहा जाता था तो याद रखिएगा प्रिंस हेनरी कहाँ को बिलोंग करते थे बिलोंग फ्रॉम पोर्चुगल और इनको प्यार से नेविगेटर कहते थे क्यों बिकॉज ही वॉज हाईली ऑब्सेस्ड कि इनको क्या चाहिए इनको डिस्कवरी जो है वो एक्सप्लोरेशन करना है हाउ इनका सपना कभी पूरा हो नहीं पाया ठीक है सो याद रखिएगा इनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया ये ही एक्सपायर्ड इनकी डेथ हो जाती है एंड लेटर ऑन जो बाकी के लोग हैं वो यहाँ पे आके जो है ट्रेड वगैरह करते हैं नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर टू रिमेंबर इज दैट हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम सो आपको इसको सीक्वेंस में याद रखना है हो सकता है आपको पेपर में सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए कि बताइए पोर्चुगीज पहले आए थे डेंस आए थे डच आए थे फ्रेंच आए थे इंग्लिश आए थे कौन थे सो so, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा नंबर वन फर्स्ट पर्सन टू फर्स्ट पीपल टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वर पोर्चुजी वन में जाके ये लोग गए थे गोवा से तो दीमक की तरह जो है ये बेसिकली इंडिया के साथ जुड़ गए थे तो याद रखिएगा लास्ट टू लीव इंडिया वर द पोर्चुगीज सो दर टॉकिंग अबाउट यूरोपियंस इन इंडिया की पहले यूरोपियंस कौन से आए सो so पोर्चुगीज और उन्होंने कहा अपना फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया नाउ दिस इज द नेम ऑफ द यूरोपियंस जो जो यूरोपियंस आए थे और साथ में ये फैक्ट्री है जहां जहां इन्होंने लगाई थी ठीक है so, सो पोर्चुज फैक्ट्री कहां लगाया कैलिकट में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी सेकेंड नंबर पे जो यूरोपियंस यहाँ पे आए थे दे वर डच और इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी मसूलीप्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री को लगाया था थर्ड पीपल टू कम टू इंडिया वर इंग्लिश और ब्रिटिश ठीक है सो इंग्लिश पीपल और ब्रिटिश पीपल व थर्ड टू कम टू इंडिया और इन्होंने अपना जो फैक्ट्री है वो सूरत में लगाया था फोर्थ नंबर पे जो आए थे वो थे आपके डेन्स तो याद रखिएगा इन्होंने तंजोर नियर ट्रैंक्विन बार इन्होंने अपना क्या लगाया था फैक्ट्री को लगाया था एंड द लास्ट टू कम टू इंडिया वर फ्रेंच सो फ्रेंच के जो लोग थे लास्ट टू कम और ये सूरत में जाके इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है तभी तो इन दोनों के बीच में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में टसल जो था वो हमेशा से चलता रहा हाउ एवर पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में भी चला बट सबसे ज्यादा तो हम जो पढ़ते हैं दैट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच ठीक है सो so, याद रखिएगा सबसे पहले कौन आए हैं पोर्चुगीज आए हैं उसके बाद कौन आए हैं जी डच आए हैं फिर कौन आए हैं आपके इंग्लिश या ब्रिटिशर्स आए हैं फिर आपके डेन्स आए हैं और लास्ट में आपके फ्रेंच आए हैं पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वर द फर्स्ट एंड लास्ट टू इंडिया सो दे वर द पोर्चुगीज पोर्चुगीज का फैक्ट्री कहां लगा कैलिकट में लगा डच का फैक्ट्री कहां लगा मसूलीपट्टनम में लगा ब्रिटिश का फैक्ट्री कहां लगा सूरत में लगा डेंस का फैक्ट्री कहां लगा आपका तेंजोर या ट्रांकिन बार के पास लगा फ्रेंच की फैक्ट्री कहां लगी आपकी सूरत में इनकी फैक्ट्री लगती है ठीक है आज हम बात करेंगे आपके पोर्चुगीज के बारे में ठीक है सो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले आपके पोर्चुगीज के बारे में नाउ आई टोल्ड यू पोर्चुगीज फर्स्ट यूरोपियंस टू कम एंड लास्ट टू लीव यहाँ पे रेनेसांस जो है ऑलरेडी फिफ्टीन सेंचुरी में यूरोप में रेनेसांस आ चुका था एंड डिस्कवरी फॉर न्यू एक्सप्लोरेशन के बारे में जो है वो ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे जिसमें से हमने हेनरी के बारे में बात किया था उनका उनका क्या था? उनका nickname था आपका एक्सप्लोर उनको बहुत इंटरेस्ट था टू एक्सप्लोर एंड नेविगेट तो इनको प्यार से हम नेविगेटर कहते थे नाउ इनका ये सपना पूरा ना हो सका इनकी पहले ही डेथ हो जाती है जिसके बाद लेटर ऑन इट वॉज फाइनली वास्को डेगामा

ट में कौन आते हैं जी वास्को डिगामा आते हैं आते हैं आपके कैलिकट में वास्को डिगामा ठीक है कब आते हैं फोर्टीन में आते हैं याद रखिएगा उस टाइम पर जो राजा था कैलिकट का दैट वॉज मेमोरे ठीक है सो ही वॉज वेलकम इनका बहुत जोर शोर से जो वेलकम था वॉज डन बाय जेमोरिन बिकॉज उस टाइम पे जो कैलिकट वाला एरिया था इट यूज टू सर्व एज अ अंटपोर्ट

किया था नाउ वेनोर वास्को डिगामा है वो करना है ही ओनली कम विद द ऑफ ट्रेड कि मुझे ट्रेड करना है शिप्स लेकर आए थे अपने साथ और तीन महीने के लिए यहाँ पे रुके और तीन महीने बाद जब वेन ही गोज बैक टू टू हिस्स प्लेस तो वहां पे लोग हैरान हो जाते हैं देखे की वास्को डिगामा ने इतना ज्यादा प्रॉफिट किया है जिसके चलते जैसे वो देखते कि वास्को डिगामा ने इतना प्रॉफिट किया है तो बाकी लोग भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं इंडिया में आने के लिए ठीक है सो वास्को डिगामा आते हैं 1498 में कोई फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश नहीं करते हैं यहाँ पे ट्रेड वगैरह करते हैं एंड देन ही गोज बैक वेन ही गोज बैक पीपल देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कितना ज्यादा जो है प्रॉफिट कमाया है जिसकी वजह से बाकी लोग जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाते हैं सो so, इसमें आपको याद रखना है इट वॉज पेड्रो पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल सो पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल उसने फर्स्ट टाइम जो है फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था तो पॉर्चुग की पोर्चुगीज फैक, की फैक्ट्री कब लगी थी 1500 में जाकर लगी थी आपके कैलिकट में ठीक है किसने बनाई थी वास्को डेगामा ने नहीं बनाई थी इट वॉज पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल जिसने यहाँ पे फैक्ट्री को बनाया था और फिर वास्को डेगामा पहले 1498 में आते हैं और फिर सेकंड टाइम 1501 में आते हैं हाउ जब ये सेकेंड टाइम आते हैं ट्रेड वगैरह करने के लिए तो उस टाइम पे जेमोरिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी टू सी हिम बिकॉज ही डेंट वॉन्टेड टू एंड He didn't wanted to, end, didn't wanted to uh, let Portuguese establish their monopoly. वो चाहते नहीं थे कि Portuguese की यहाँ पे monopoly हो और यहाँ पे यही लोग ट्रेड करें क्योंकि अरब भी तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे ठीक है <coughs> इसकी वजह से जब वास्को डिगामा सेकेंड टाइम पे आते हैं, ही वॉज नॉट हैप्पी जेमोरिन वाज़ नॉट हैप्पी इसलिए ये अपना जो फैक्ट्री है वास्को डिगामा अपनी जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश करते हैं एट कैनोर तो याद रखिएगा वास्को डिगामा के द्वारा जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया था इट वॉज इस्टेब्लिश एट कैनोर एंड देन इट वॉज फ्रांसिस्को डी एलमेडा फ्रांसिस्को डी एलमेडा जो 1505 में आते हैं 1505 में आते हैं एंड ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया अपॉइंटेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट सो पोर्चुगीज़ के द्वारा जो फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं इंडिया में दैट वॉज फ्रांसिस्को डी एलमेडा सो अगर पूछा जाए कभी पेपर में कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे पोर्चुगीज के तो इट इज फ्रांसिस्को डी एलमेडा इसके साथ अगर आपको पूछा जाए कि ब्लू वॉटर पॉलिसी तो इनके द्वारा जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था इट वॉज बेसिकली एट अ बैटल जिसमें हमको घुसने की जरूरत नहीं है बट इतना आप याद रखिएगा अगर आपको ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पूछा जाए दैट इज द कार्ते सिस्टम तो वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था सो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय फ्रांसिस्को डे एल मेडा हू वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया बाय पोर्चुज हाउ एवर द रियल फाउंडर ऑफ इन इंडिया वॉज सेकेंड नंबर पे जो आते हैं फ्रांसिस्को के बाद दैट इज एल्फांसो डी एल्बक की तो सेकेंड नंबर पे जो आदमी आते हैं दैट इज अल्फांसो डी एल्बक की जो बेसिकली क्या है आपके रियल फाउंडर है ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया इनको रियल फाउंडर की तरह जो है आ, माना जाता है इन्होंने क्या किया इन्होंने सबसे पहले गोवा को एक्वायर किया और गोवा में तो ये दीमक की तरह चिपक कर बैठ गए थे तो याद रखिएगा इन्होंने गोवा को एक्वायर किया फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510 और फिर लेटर ऑन बाय समबडी इट वाज जो कैपिटल था इट वाज बी शिफ्टेड टू गोवा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे सो so अभी कौन कौन आया है वास्को डिगामा आए हैं फिर काब्राल आए हैं फ्रांसिस्को डी एल्ब एल्बेडा आए हैं फिर आपके एल्बकर्की आए हैं तो इसको सीक्वेंस में आपको याद रखना है वास्को डिगामा ओनली पोर्ट्रेट

और इन्होंने सती सती सो याद रखिएगा एबॉलिशन ऑफ सती वॉज डन बाय हिम मतलब देखो ये मत सोचना कि फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या हुआ सती जिस जगह पे ये लोग अपना काम कर रहे थे उस जगह पे इन्होंने सती को एबॉलिश के बारे में बात किया था सो एबॉलिशन ऑफ सती वॉज डन बाय हिम जहाँ पे ये बैठे हुए थे अपना फैक्ट्री वगैरह खोल के ये याद रखिएगा इसके अलावा इन्होंने लोकल uh, वाइफ्स को प्रमोट किया लोकल वाइफ का मतलब ये हो गया कि इन्होंने अपने बंदों को बोला कि आप लोकल लाइट्स लोकल लड़कियों के साथ शादी करें ताकि आपकी जो जड़ है वो और ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए तभी तो रियल फाउंडर बने ऐसा ना बने हैं सो so, इन्होंने लोकल वाइफ्स या लोकल लाइट्स के साथ शादी करने के ऊपर प्रमोट किया आइडिया को सती को एबॉलिश किया और साथ ही साथ इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को भी एक्वायर किया था इन 1510 फाइनली आते हैं आपके नीनो डे क्यूमा सो so, नीनो डे क्यूमा आते हैं और ये कैपिटल जो है वो गोवा में जो 1510 में एक्वायर किया गया था ये गोवा में कोची कोची से गोवा में जो है कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं सो so, पंद्रह में एक्वायर नेक्स्ट जो गवर्नर आया उसने गोवा में इसको इस्टैब्लिश कर दिया ठीक है हुगली को भी एक ईस्ट कैपिटल बनाया गया था बट इतना हमको डेफ्ट में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है सो दिस इज लेक्चर नंबर हमने पोर्चुगीज के बारे में पढ़ा है नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डच के बारे में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे कि उन्होंने फैक्ट्री कहाँ बनाया था किसके द्वारा हु द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डच फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था इंग्लिश को तो ऑब्वियसली हमको डेफ में पढ़ना है डेम्स एंड uh, फ्रेंच कल नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे जाएंगे आई वॉन्ट एवरीबडी टू काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब काइंडली योर फ्रेंड्स जो भी जेके एस एस बी एस आई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ए आर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज उनको बताइए चैनल के बारे में ताकि वो भी uh, जो मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज है उससे उसका इसका इन uh, लेक्चर सीरीज से अपना फायदा ले सके So, thank you guys and have a nice day, and I will see you in the next lecture. Thank you.